हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इसे पहले वाले चैप्टर में वीडियो में मैंने आपको बताया था अबाउट ब्लड, और मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। सो मैं यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताऊंगी। ब्लड क्लॉटिंग कहते किसे? रक्त का थक्का जमना, किसी चीज़ को जमने को, यानी रक्त का जब थक्का जमता है उसको क्लॉट बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ये ब्लड क्लॉट क्या करता है? ये कंसिस्ट करता है एक नेटवर्क को, ठीक है, जो कि इनसॉल्युबल प्रोटीन फाइबर्स किसका होता है, इनसॉल्युबल प्रोटीन फाइबर्स का, और उसको हम लोग कहते हैं फाइब्रिन, जो कि क्या करता है, इन विच द फॉर्म्ड एलिमेंट, और जो एलिमेंट होते हैं लाइक आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स, वाइट ब्लड कार्पसल्स एंड प्लेटलेट्स, ब्लड के वो इसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं। मैं इसको आसान लैंग्वेज में समझाती हूँ। जैसे क्या होता है, जो ब्लड होता है वो कंसिस्ट करता है, यानी वो अपने पास रखता है एक नेटवर्क को, ठीक है, नेटवर्क लाइक नेट टाइप की चीज़, जो क्या होती है, इनसॉल्युबल प्रोटीन फाइबर्स की बनी होती है, ठीक है, और उसको हम लोग कहते हैं फाइब्रिन। जो फाइब्रिन होता है, अब फाइब्रिन क्या करेगा, वो अपने में जैसे कोई भी चीज छन रही है एक जाल बना देगा। अब उसमें जो है, जैसे कार्पसल्स वगैरह आते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स, WBC एंड प्लेटलेट्स, जाके फंस जाते हैं और एक थक्का जमा लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। और ये फाइब्रिन बना शेप में कैसा होता है, ये नेट जाली के जैसे शेप में होता है, इस तरीके से, ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्लॉटिंग। और जो इस कैस्केडिंग प्रोसेस होती है, इसमें पूरा पूरा 4 मिनट लगते हैं। कितने टाइम लगते हैं, जब हम लोगों को कभी चोट लग जाती है तो इसमें 4 मिनट लगते हैं। आपने कभी देखा होगा कहीं पर कट गया, ठीक है, अगर ब्लड आता है तो लोग क्या करते हैं, ऐसे कस के उंगली लगा देते हैं। क्या 24 घंटे तक लगा लेते? नहीं, कुछ ही मिनट के लिए लगाते हैं। अगर नहीं भी लगाएंगे, क्योंकि वो अपने ऊपर से एक शील्ड ऐसे रख लेते हैं, लेकिन अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी ये फाइब्रिन जाकर वहाँ पर एक जाली बना लेगा, एंड देन उसमें ये RBC WBC एंड प्लेटलेट जाकर सब कलेक्ट हो जाएंगे और एक थक्का जमने लगेगा, फिर एक ब्राउन ब्राउन सी पपड़ी जम जाती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग समझा रहे हैं, यही ब्लड क्लॉटिंग होता है, ठीक, इसे आप नोट कर लीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं कैसे थक्का जमेगा। जैसे थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, हमने इसे पहले चैप्टर में पढ़ाया था, प्लेटलेट्स का टेक्निकल नेम थ्रोम्बोसाइट है। सो जो थ्रोम्बोसाइट है वो जब एयर के कंटैक्ट में आएगा तो वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा। क्या होगा, ये एक्टिवेट होकर थ्रोम्बोप्लास्टिन को बनाएगा। अब इस थ्रोम्बोप्लास्टिन को हम इधर लिखेंगे। अब ये क्या करेगा, ये कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन के साथ कनेक्ट होगा एंड एक थ्रोम्बिन बनाएगा, ठीक है। अब ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करेगा, ये फाइब्रिनोजेन के साथ कनेक्ट करेगा, ऐड होगा एंड फाइब्रिन बनाएगा। फाइनली ये जो फाइब्रिन है ये एक जाली की जैसी संरचना होती है, और इसी में क्या होते हैं, कार्पसल्स जो है सारे इसमें फंस, कार्पसल के साथ ये जब कनेक्ट होगा, इसी में जो है सारे कार्पसल्स क्या होंगे, RBC WBC एंड प्लेटलेट्स, ये सब चीज़ें के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा और जो है फंस जाएगा, और उसी से ये रक्त का थक्का जम जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसके कुछ ये डायग्राम के थ्रू इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब टिश्यू डैमेज होता है तो ब्लड वेसल स्पैज्म, मतलब जब नॉर्मली ब्लड जो है जमता नहीं है, क्लॉटिंग नहीं होता है, तब क्या करते हैं, जो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है, फिर जो है क्लॉटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। उसमें क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, और प्रोथ्रोम्बिन जो है कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन बना लेता है, एंड देन फाइब्रोनोजेन एंड थ्रोम्बिन कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में फाइब्रिन बनाते हैं, जिससे फिर ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। अब मैं बताऊंगी, जैसे इसमें कार्पसल्स कौन से होते हैं, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट को ही प्लेटलेट बोलते हैं। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो इसमें फाइब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होता है। अगर हम एलिमेंट की बात करें तो कैल्शियम आयन कैल्शियम होता है, ठीक है, और विटामिन की बात करें तो इसमें पोटेशियम होता है, ठीक है। और इसमें अब यहाँ पे आपने पोटेशियम देखा है, जनरली आपने बचपन में पढ़ा होगा कि ब्लड के थक्का जमने में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, सब तब आपने कैल्शियम नहीं पढ़ा था, तब आपने पोटेशियम पढ़ा था, के। तो इसमें क्या होता है, इसका भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ।
जब बाहरी बॉडी में क्या होता है कि जब बाहरी बॉडी से कट लगा और उसमें एयर कंटैक्ट आया तो वहां पे थक्का का जमना ये कैल्शियम से होता है। अगर किसी को बॉडी के अंदर थक्का जम जाता है तो उससे उसको ब्रेन हैमरेज हो जाता है, क्योंकि हमारे दिमाग की नसें बहुत महीन महीन होती हैं। अब उसमें ही अगर वो जम के बैठ जाएगा तो वो नसें फटने लगेंगी, जब फटने लगेंगी तो ह्यूमन बॉडी की डेथ हो जाएगी, ह्यूमन बॉडी क्या किसी की भी डेथ हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि अब इसको कंट्रोल कौन करता है, एंटी क्लॉटिंग। एंटी क्लॉटिंग क्या है, हिपेरिन। हिपेरिन जो है इसमें बॉडी में ये भी प्रेजेंट होता है। अब ये जो इनका जो है काम है, इनका और इनका काम, इन लोग का काम और इसका काम अलग है, ये दोनों के एंटी चलती है। जहाँ जहाँ ये जो थक्का जमाते हैं वहाँ वहाँ ये थक्का नहीं जमाने देता। अब क्या होता है कि बस इसकी एक जो है कमी है, ये एयर के कंटैक्ट में आने पे मर जाता है। जब एयर के कंटैक्ट में आने पे ये मर जाएगा, जब आपकी बॉडी में कहीं चोट लगेगी तो जैसे ही वहाँ पे ये थ्रोम्बोफाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन जाता है थक्का जमाने के लिए, वैसे ही हिपेरिन जाता है, वो उसको जमाने नहीं देता क्योंकि वो एंटीकोगुलेंट होता है। तो वहाँ पे क्या करता है, जैसे ही एयर के कंटैक्ट में हिपेरिन जाता है, ये डेड हो जाता है। जब ये मर जाता है तो वो अपना काम पूरा कर लेते हैं और थक्का जमा के चले जाते हैं। तो ये और ये दोनों का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जब सम टाइम्स क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, यानी ये एयर के कंटैक्ट में नहीं मरता है, तब क्या होता है वहाँ पे थक्का नहीं जम पाता है और वो एक डिसीज हो जाती है, ठीक है। और क्या कहते हैं कि जैसे फाइब्रोनोजेन एंड फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन एंड हिपेरिन, ये तीनों का निर्माण कहाँ हुआ होता है, ये तीनों का निर्माण ही लीवर में होता है। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई हो। थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सो मच। ये आपका सेकेंड पार्ट इसमें कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे थर्ड पार्ट यानी ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊंगी। और ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करते रहिए और करवाते रहिए। थैंक यू सो मच।